नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज हिसार के अनाज मंडी में अगर बात करें, कार्यकर्ताओं के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो बहुत अच्छा आंकड़ा जो है हरियाणा या हिसार के लोकसभा के अंदर अगर बात करें तो बहुत अच्छा आंकड़ा जो है कांग्रेस पार्टी ने छुआ है। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने के लिए आज हिसार के अनाज मंडी के अंदर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल जो है मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि इनके साथ ही आपको प्रदेश अध्यक्ष उदयभान चौधरी भी नजर आएंगे, और उसके अलावा अगर बात करें नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष कहलाते हैं वो भी फिलहाल स्टेज के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। और साथ ही साथ युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी आज यहाँ पर इस मंच पर मौजूद है। और अगर बात करें हिसार लोकसभा से सांसद रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि भीड़ जो भारी भीड़ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर सुनने के लिए आई है। और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनावों के जो नतीजे रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही ज्यादा जोश बन गया, और जिसके चलते अब आने वाले विधानसभा चुनावों की अगर तैयारी की बात करें तो कहीं ना कहीं उस तैयारी में जो है कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जो जनता है बदलाव चाहती है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं जो पहले लगातार दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता में आती रही है, इस बार जो जनता का मत है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पहुंची भीड़ है, एक जन आंदोलन है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा की जनता जो है अपना मन बना चुकी है। और इस बार लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो कांग्रेस पार्टी के हक में आने वाला है। और तस्वीरों में फिलहाल आपको दिखा दूं कि मंच के ऊपर भारी जनसैलाब फिलहाल मौजूद है, और इससे भी ज्यादा संख्या आपको दूसरी ओर जो इनके सुनने वालों की नजर आएगी। और चेहरों की बात करूं तो फिलहाल मंच पर जयप्रकाश और जेपी के साथ साथ रामनिवास घोड़ेला, अनिल मान, वीरभद्र, रणबीर जो कालू पंडित जी जो आदमपुर से है, संजय जौहर, आशीष गोदारा और कुक्की, रमेश जाखोद, राजेंद्र सुरा, प्रदीप बैनीवाल आदमपुर से, और उसके अलावा नारनौंद हलके से जस्सी पेटवाड़ भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और भी कई मुख्य जो चेहरे हैं यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। और भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो इस बार जनता ने अपना मन बना लिया, और कहीं ना कहीं जो सत्ता परिवर्तन की बातें लगातार कही जा रही है इस बार सच साबित होते हुए नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार 10 साल जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर जो लगातार जो अपना टेनोर पूरा करने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीतियां थी जिससे लोग नाखुश नजर आए। अगर बात करें परिवार पहचान पत्र की या पोर्टल की बात करें, और भी कई अन्य स्कीम थी। और अभी पीछे आपने देखा होगा कि एक किसान आंदोलन या 3 कृषि कानून, जिससे भी खासा नाराज जो किसान वर्ग नजर आया, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में भी आपने देखा कि एक मजबूत दावेदारी कांग्रेस पार्टी की इस बार लोकसभा चुनाव में रही, और उसी के चलते कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आज कांग्रेस पार्टी के अंदर नजर आ रहा है। और जो कार्यकर्ता है पूरे जोश के अंदर आज यहां पर अपने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और आज अगर संख्या की बात करें तो ये पंडाल बिल्कुल भर चुका है, और लगभग इससे ज्यादा भीड़ जो है इस पंडाल के बाहर भी देखने को मिलेगी। अगर रोड की बात करें तो पूरा रोड जो है ट्रैफिक की वजह से जाम हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो अपने अजीज नेता माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कहीं ना कहीं इनका जो वक्तव्य है अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम करता है। और उसी के चलते आज जो हिसार ही नहीं बल्कि आसपास के सभी एरिया के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को सुनने के लिए कहीं ना कहीं
आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर जो आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। और बात करें यहाँ पर तस्वीरों में डॉक्टर संजय जौहर, सूबे सिंह आर्या, दलबीर सिंह जागू, मोहित मलिक और रमेश जाखोद, इस तरीके से न जाने कितने ही नरेश सेलवाल और बड़े चेहरे जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं एक भारी दलबल के साथ, क्योंकि आज जो ये कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने अपने अजीज नेताओं के साथ, तो कहीं ना कहीं ये भी दावेदारी उनके है कि आने वाले विधानसभा में उनके जो नेता है उनको टिकट मिलेगी और कहीं ना कहीं वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस वजह से एक भारी दलबल के साथ, एक भारी जनसैलाब के साथ जो लोग, जो नेता है या जो इस विधानसभा की टिकट की दौड़ में जो अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग भारी जनबल के साथ या दलबल के साथ यहाँ पर आज अपने अजीज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए पहुंचे। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि भीड़ की अगर बात करें तो भारी जनसैलाब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि भारी जनसैलाब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और कार्यकर्ताओं की बात करें तो युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग का जो यहां पर कार्यकर्ता आज यहां पर देखने को मिलेगा। और ग्रामीण परिवेश से जो लोग हैं यहां पर भारी संख्या में संरक्षण में नशे बिकते हैं, इंजेक्शन बिकते हैं जो युवा पीढ़ी को खराब करता है। इसी प्रकार से भाई गरीब आदमी के इलाज के लिए पूरा हम चिंता देंगे ताकि उसको पूरा इलाज मुफ्त करना। और ये जो अदर जी ने कहा क्या चला रखे हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अरे यही मंडी है ना, यही किसान है। जब हमारा टाइम था खेत में दाने निकलते सीधा मंडी में लाके अपने महसूली बन जाती थी, अब क्या है किसान बाट देखेगा, तो देखेगा पोर्टल चलेगा नहीं, बाट देखा कर नंबर आओगा कितना मीह बरस जाएगा दाने बीत जाएंगे, मतलब अजीब कार्य कर दिया। तो ये जो बेकार के पोर्टल है भाई, इनका चलता करेंगे, सिर्फ जन इसके पोर्टल चलाएंगे, हम ये काम करेंगे हम भाई, ये काम हम ये मोटे मोटे काम बताएं आपको। आप ये बताओ ये काम कब होंगे, कब होंगे, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी होंगे ना, कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी होंगे। कांग्रेस की सरकार कब बनेगी, जब तुम एमएलए बनाओगे, एमएलए बनाओगे ना सरकार, हिसार की 7 एमएलए हैं, एक बात तो मेरी मान जाओ, दूसरी मैं मान जाऊंगा, मेरी क्या मानो कि हरियाणा के 7 एमएलए, हिसार के 7 एमएलए कौन से जिताओगे, तो मैं दूसरी बात मैं खाली मान लूंगा, क्या तुम 7 एमएलए जिता के भेज दियो, कौन सी सरकार मैं बना दूंगा, तुम्हारी सरकार बना दूंगा, मंजूर है, हाथ खड़े करके बता दो मुझे, बहुत बहुत।